अब हम पढ़ेंगे लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर एक, व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए क्या आवश्यक है? तो उत्तर होगा दृढ़ निश्चय, कड़ी मेहनत और उत्साह के साथ लगातार आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। फिर दिया है प्रश्न नंबर दो, कवि के अनुसार बुरी जिंदगी कौन सी है? तो उत्तर होगा जीवन के प्रत्येक कार्य में फिसड्डी बने रहना। कवि ने ऐसी जिंदगी को सबसे बुरा माना है। लघु उत्तरी में हमको दो ही क्वेश्चन करना है। इसके बाद देखेंगे हम भाषा के बाद में प्रश्न नंबर पाँच, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों पर गोला लगाइए। जो शुद्ध वर्तनी वाले उसमें हमको गोला लगाना है। तो इसमें दिया है फिसड्डी, सब में लिखा हुआ है, जो सही है उसमें आपको गोला लगाना है। तो सबसे शुरू ही वाला हमारा सही है। फिर दिया है ख्याल, जो सही है उसमें गोला लगाना है, तो ये ख्याल हमारा सही है। फिर शर्मिंदगी, तो ये शर्मिंदगी हमारा सही है। प्रश्न नंबर छः, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो इनके आपके तत्सम रूप लिखना है। तो तत्सम रूप लिखेंगे तो कौन कौन से हो जाएंगे? पहला हो जाएगा मुहूर्त। क्या हो जाएगा? मुहूर्त का हो जाता है हमारा मुहूर्त। फिर दिया है दूध, दूध हो जाएगा दुग्ध। फिर दिया है यात्रा, यात्रा को जाएगा यात्रा। फिर दिया है हमारा भाग, भाग को जाएगा भाग्य। फिर दिया है प्रश्न नंबर सात, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको खुद से बना के लाना है। जैसे फिसड्डी रहने का मतलब होगा किसी काम में पीछे रहना। जैसे हमारी कक्षा में कोई भी विद्यार्थी पढ़ने में फिसड्डी नहीं है। फिर दिया है किसी का दूध, दिया दूध पीना मतलब किसी पर निर्भर रहना। फिर दिया है हमको मुहूर्त यानी सोचना, क्या हो जाएगा? कार प्रारंभ करने की प्रतीक्षा करना। फिर दिया है हमको बड़े से शेर होना यानी स्वयं को बड़ा समझना। फिर दिया है ख्यालों में डूबना, तो विचारों में खो जाना। जैसे ख्यालों में डूबे रहने से सफलता प्राप्त नहीं होती है। ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको खुद से करना है। और यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है।